मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। कोरोना संकट के बीच आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लोगों को संयम बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व है। कोरोना संकट के बीच उन्होंने कहा कि पहले दशहरे पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने दशहरा उत्सव के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि चीन ने अपने विस्तारवादी नीति की वजह से भारतीय सीमा में भी घुसपैठ की है, लेकिन जब भारतीय जवानों ने उसे जवाब दिया तो पहली बार घबरा उठा। भागवत ने कहा कि पूरी दुनिया ने चीन की चालाक कोशिशों को देखा है और हर देश उसकी विस्तारवादी नीति से परिचित है। चीन से तनातनी के बीच जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के साथ दशहरा मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल पर पहुंचे और वहां मजस्त्र पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है, भारत ये चाहता है कि तनाव खत्म हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के चुनाव से पहले शिवहर जिले के पुरनैया प्रखंड के हथसार गांव में शनिवार की शाम चुनावी प्रचार कर रहे जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह समेत चार लोगों पर तीन अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें श्री नारायण समेत तीन लोग जख्मी हो गए। इलाज के लिए सीतामढ़ी ले जाने के क्रम में श्री नारायण सिंह ने दम तोड़ दिया। मुंबई में एक महिला ने ट्रैफिक कांस्टेबल की बुरी तरह से पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिला और वहां पर मौजूद व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कलवा देवी मार्ग पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक महिला को हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोका। इस पर पहले दोनों में बहस हुई, उसके बाद महिला ने पुलिसकर्मी को मास्क नहीं पहनने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लखीसराय जिले के आर लाल कॉलेज में तेजस्वी की सभा में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, हालांकि बाद में भीड़ के नियंत्रित होने के बाद कार्यक्रम पूरा हो सका। विजयादशमी पर रविवार को आयोजित इस सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी की बात को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है? उनके पास न रक्षा नीति है और न ही रणनीति। राफेल के मुद्दे पर उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा, पूरा देश जानता है। अब राहुल गांधी का चीन मुद्दा उठाना बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि देश और बिहार के लोगों को इस पर बहुत ही गुस्सा है। अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की ओर से किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे का समर्थन किया है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के 19 लाख रोजगार सृजन के वादे पर भी हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी ने जो युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, मुझे भरोसा है वो इस वादे को पूरा करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है और जो करता है वही कहता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मंदिर खोलने को लेकर उठी मांग। राज्य में लंबे समय से बंद पड़े मंदिरों को खोलने को लेकर विश्व हिंदू परिषद उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई आक्रमण। पुणे के आलंदी तीर्थ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर सरकार से मंदिर खोलने की मांग की। आलंदी के मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गयी। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दामोह से पार्टी विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में लोधी ने पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीते।